जय जवान जय किसान साथियों, आज केएस की जो 9300 कंबाइन मशीन आप हमारे सामने देख रहे हैं, आज इसमें हम ये बताएंगे कि ये मशीन 2024 में और मशीनों से अलग कैसे है। मशीनें तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, बाहर से देख रहे हैं तो सारी ही मशीनें दिखाई देंगी, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है, क्या क्या फ़र्क इन्होंने इसके अंदर दे दिया, क्या क्या चेंजेस जो है मशीन के अंदर अब आने लग गए, तो अब बात करवाते हैं एक बार तो कंपनी के हिसाब से। राम राम जी। राम राम भाई साहब। आज आप हमें इसकी जानकारी देना कि क्या अलग है आपकी मशीन के अंदर। ठीक है भाई, बताओ जी, शुरू करो। हाँ भैया, जैसे हम बात करते हैं हार्वेस्टर कंबाइन, इसमें मेन काम आता है फीडर का, आगे का। फीडर में क्या है, हमने जो फीडर दे रखा है, जो इसका फ्लोर है अंदर का, ये पूरा स्टेनलेस स्टील का दे रखा है, और इसकी जो चेने हैं हमने वो सारी डायमंड कंपनी की दे रखी हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा किसान को, क्या फ़ायदा होगा इसमें? फ़ायदे की बात करें, जैसे स्टेनलेस स्टील में घिसाई कम हो जाती है, अगर सिंपल लोहा लगाते हैं उसमें जंक लगती है, उसका फ्लोर है बहुत जल्दी, फर्श है जो जल्दी ख़राब होता है, स्टेनलेस स्टील दे क्या है उसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि घिसने वाला हिस्सा है ये, यहाँ घिसने वाला पार्ट, जितना भी माल मशीन काटेगी यहीं से जो घिसके अंदर जो जाएगा, इसी वजह से आपने स्टेनलेस स्टील का कर दिया, इसीलिए हमने दिया। और उसके बाद हम देखें, पहले समय में क्या रहता था, आज से 2-4 साल पहले यहाँ पे ना मैं किला दिया रखा था, हमने ये चैनल सिस्टम कर दिया कि बंदा ड्राइवर कटर को आसानी से अपने आप एक बंदा कटर डाल सकता है फीडर में, एक ही बंदे की जरूरत रहेगी। जी बिल्कुल। उसके बाद हम फ्रंट हिस्से की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में बना रखा है, उस तरह मैं आपको लेफ्ट साइड दिखाऊंगा। सबसे अच्छी बात है जो हमने स्पोर्ट दे रखा है प्लेट सिस्टम में, प्लेट की हमने स्पोर्ट दे रखी है लेफ्ट साइड। अब अगर आप देखोगे, गियर बॉडी की बात करें, गियर बॉडी हमारी खुद की डिजाइन है अपनी। ठीक सर, उसमें जो अंदर का मटेरियल वो सारा सैनी कंपनी का रहेगा। और इधर डिस्क ब्रेक की बात करें, हमें सूखे ब्रेक हैं, डिस्क वाले हैं, ठीक है ना। और ये जो सूखे ब्रेक आपने दिए, इसका क्या फायदा मिला किसान? ब्रेक में ऐसा है भैया, जैसे मान लो कुछ अभी चल रहा है गीले ब्रेक का ट्रेंड, उसमें क्या होता है जो गीला ब्रेक रहता है वो गियर बॉक्स के साथ रहता है, गियर बॉक्स के साथ रहने से खुदा ना खास्ता कल को वो अपना एक्सल निकल जाए या कपली निकल जाए, उससे क्या रहेगा, ब्रेक नहीं लगेगा गाड़ी का। मान लो इस गाड़ी में भी कपलीन निकल सकता है, कुछ समय से बड़ी बात नहीं, किसी का भी हो सकता है। अगर इसमें मान लो कपलीन निकलती है या एक्सल गिर रहा है, टूट के गिरता है या निकलता है, इससे क्या है कि हम ब्रेक सूखे ब्रेक है, डिस्क वाले हैं, इसके गाड़ी हम रोक सकते हैं, मतलब इमरजेंसी के ब्रेक उसमें हम लगा सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे गाड़ी में लोहे की टोटल लोहा जो मान लो हमने दे रखा है वो टाटा कंपनी का, सेल का, ये टाटा सेल का हो गया एंगल, पूरी बॉडी आपको टाटा में मिलेगी। और एक आप कह रहे थे कि रिपट वगैरह नहीं लगाते। हाँ, आप देखो गाड़ी में कहीं आपको रिपट मिल रहा है, कोई रिपट नहीं मिलेगा आपको, टोटल वेल्डिंग का काम है। रिपट का कैसे होता है, 2-4 साल में अपने वो जगह छोड़ के गलना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो चीज खत्म होगी। उसके बाद हम बात करेंगे पुलियों की, जितनी पुली आपको मिलेगी सारी वो पुलर टाइप है, आपको हथौड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अच्छा, पुलर में अगर चक्कर वगैरह जो है कम ज्यादा है भाई इसके, तो आप इस पुली को इधर उधर लेफ्ट राइट चेंज करके जो उसके चक्करों को एडजस्ट कर सकते हैं, और जो उसमें काटर वगैरह डालने की कोई भी जो है जरूरत नहीं। और ये जो बेल्टों की बात करें, क्योंकि सारी मशीन फिक्स कंपनी की, तो उससे जो है किसानों क्या फायदा हुआ, क्या लाभ का? जैसे रबड़ बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ऐसे तो कंपनी तो बहुत सारी आती है, हमारी कंपनी ने पिक्स को चुना है तो हम पिक्स ही लगा के देते हैं। और एक बात और ये कह रहे हैं भाई अपनी तरफ से, कि हमारा जो लोहा है, आप कहीं से एंगल काट लो, कोई भी चद्दर काट लो, टाटा मिलेगा। अगर टाटा नहीं मिलेगा तो पूरी मशीन बिल्कुल फ्री, 20-30 लाख रुपए की मशीन। बात कर रहे हैं बैरिंग की, बैरिंग क्वालिटी की, सबसे अच्छी कंपनी का बैरिंग एंटीएन जापान का, कंबाइन इंडस्ट्री में आज के समय में कोई भी एंटीएन जापान का बैरिंग नहीं दे रहा। तो लाइफ क्या होगी इसकी? लाइफ इसको होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, ग्रीस वगैरह टाइम से करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल, तकरीबन लाइफ जो है देखने को क्या मिलती है आपको इसकी? तो हमारे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है इसका। हाँ, अदर बैरिंग के मान लो दूसरी कंपनी के बैरिंग के अकॉर्डिंग हम देखें, इसका रेट का ही बहुत डिफरेंस, सीजन के अंदर कोई ब्रेक डाउन नहीं मिलेगा मशीन को। साथ में दो टूल बॉक्स दे रखे हैं, एक टूल बॉक्स ये दे दिया और एक टूल बॉक्स जो है ऊपर दे दिया। किसान है तो उसको, मशीन मालिक को अपना कोई भी सामान रखना है तो आसानी से इसके अंदर रख सकता है। बाकी बात हम करेंगे आपके बैक एक्सल की, पीछे वाले हिस्से की। जी, जैसे कि अगर कंपनी में देखा होता है ना, यहाँ पे मोरनी सिस्टम होता है, वो हमने उठा दिया, प्लेट सिस्टम में गाड़ी आ गई। जी, और जो पीछे सेंटर पिन होती है, हाँ, एक इसमें बुश, ज्यादातर कंपनी ने बुश दे रखा है। अच्छा, हमने बुश के साथ साथ दोनों तरफ से इसको टेपर वायरिंग दे रखा है,
कल को दो साल में चार साल में अगर हिस्से में कोई प्ले आती है तो बंदा वो बैरिंग नहीं डाल के बैरिंग लगा सकते है, इसका जो बुश है वो नहीं जाएगा, बुश नहीं जाएगा और जो खराद वगैरह पे जाने की उसकी नहीं, कोई समस्या नहीं खराद पे कुछ नहीं। और अंदर की बात करें गाड़ी के अंदर, हम दिखाऊंगा आपको वाइट पेंट हमने दे रखा है कल को, मान लो फोरमैन जी ने ड्राइवर जी ने गाड़ी की रिपेयर करनी है गाड़ी बनानी है अंदर लाइट लगा के उसको जो के दिखने में समस्या ना आए जी। अगर हम अपने पीछे टेल की बात करेंगे, टेल भी हमने चार पार्ट में दे रखी है, अगर आप ऊपर कैमरा घुमाओगे आपको ज्वाइंट मिलेंगे, एक ज्वाइंट दो ज्वाइंट तीन और चार ज्वाइंट अलग अलग हिस्से में जो आप इसको खोल के बिल्कुल और आसानी से काम कर सकते हैं। और ये अंदर से सीप बॉक्स है भाई इसका, सीप पे ये देखो इनको एडजस्ट करने के लिए जो है यहाँ पे पत्तियां दे रखी हैं और साथ में फाइव स्टार वॉकर एक दो तीन और ये चार और ये पांच, फाइव स्टार वॉकर के अंदर जो है ये मशीन आपको देखने को मिलेगी। और एक और कह रहे थे कि आप जो है ये टायरों वाली बात, 9 इंच वाली ये टेपर है जैसे ट्रैक्टर टाइप होता है, जैसे डोला डोले से गाड़ी ने आगे पीछे जाना है जी। जैसे मतलब डोले के ऊपर से अगर हिस्सा बराबर रहेगा तो गाड़ी टपकेगी पीछे से, इससे वो समस्या नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है भाई, मैं देसी भाषा में समझा दूं आपने कि जो ये वाला जो टायर है इस मशीन का और वो वाला जो टायर आप देख रहे हैं इनमें 9 इंच का डिफरेंस है आगे पीछे का, मतलब बैलेंस एक तरीके से जो है मशीन चलेगी उसको जो है एक तरीके से बहुत अच्छी बैलेंस चलेगी, इसी वजह से 9 इंच का जो है इनने फर्क दे रखा है। और सिंगल एक्टिंग जो है इसके अंदर पावर स्टेयरिंग का हाइड्रोलिक जैक दे रखा है। बाकी भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई हमने जापान के जो है इसके अंदर बैरिंग लगा रखे और नीचे जो इसके बर्मे हैं बर्मों की सफाई के लिए भी जो है यहाँ पे कवर बॉक्स दे दिए, जिनकी मदद से जो है जब सफाई करनी है हमने अपनी मशीन की तो वो हम साफ आसानी से कर सकते हैं। कटर के अंदर क्या दे दिया जी खास ऐसा? कटर के अंदर भैया हम बात करें जैसे ये सारी पुली हैं, जैसे पहले बात करी है वो भी पुलर टाइप आ गई बैरिंग में, इसमें भी एंटी जापान का रहेगा, इसमें भी पुलर टाइप आ गया और सभी के अंदर जो है ये पुलर टाइप आ गया। उसके बाद इसकी बात करेंगे कटर के फर्श की, ये पूरे का पूरा स्टेनलेस स्टील का 14 फीट का पूरा, ये वाला जो फर्श है भाई पूरा का पूरा 14 फीट स्टेनलेस स्टील का सिंगल पीस दो पीस में आएगा, दो पीस के अंदर ये जोड़ लगा रखे तो ये एक लेफ्ट राइट का और राइट साइड का जो है ये दो पीस के अंदर जो है जोड़ के, ज्यादा जोड़ वगैरह इसके अंदर नहीं है। और ये भी टाटा का, ये भी सब टाटा, सब टाटा पाइप जो आएगा आपको स्वास्तिक का मिलेगा, जिंदल का मिलेगा, रविंद्रा का मिलेगा जी, पाइप कंपनी का आएगा वो भी सारा आईएस मार्क में आएगा। अच्छा और क्या खास बात है कटर के अंदर? और आपको बता रहा हूँ आगे आ जाएंगे, ये देखो भाई एडजस्ट वगैरह जो है आप इसको कर सकते हैं, जैसे फ्रंट ऑगर की हम बात कर रहे हैं जी, कहने को कोई 18 बोलता है कोई 15 बोलता है, अपना प्रॉपर जो 16 इंच है, 16 इंच मतलब इसका डायमीटर है 16 इंच का है। जैसे हम फिंगरों की इनकी बात करते हैं फिंगरों की, बाकी कंपनी को हम देखेंगे किसी का कैसा है किसी का कैसा, हमारा ये भी आप क्वालिटी का मिलेगा। और जितनी आपको रील में पाइप मिलेंगी 6 पाइप मिलेंगी सारी आईएस मार्क का मिलेंगी, आईएस मार्क वाली ये देखो जो कुछ बढ़ रहा है कंपनी में बढ़ रहा है बाहर से नहीं है। क्या जी लोग बाहर से ले लेके ना स्टैंप लगा रहे जी, ऐसा नहीं है सब यही बनता है, यही बनाते हैं आप लोग, सॉफ्ट भी है जो भी है यही बनता है सब कुछ, सिर्फ वायरिंग बेल्ट जो है पेंट पेट भी पेटेंट अपनी कंपनी का बनवाए, मतलब किसी का नहीं चूज कर, ये रील है ये पल्ला ऐसे निकाल दो पल्ला पल्ला बदल सकते हो, ये वाला चेंज इस जहाँ से निकलेगा अच्छा हाँ पल्ला कला कला निकल जाएगा समझे ना। और यहाँ पे भी भाई रूल बॉक्स दे रखे हैं, ये भी दोनों निकाल दो दोबारा कर दो टुकड़ी भूसा जो, साथ में टूल बॉक्स दे रखे है किसान अपना कोई भी सामान रखना है तो इसमें जो भी कहीं भी कड़ी है ना जी, साथ में की बार नहीं होती जी तो इसमें रखी, इसके अंदर जो है सापट वगैरह आसानी से रखी जा सकती है। ये हबे वगैरह स्टील की है देखती नहीं है, अच्छा ये बासल इसमें अटैच है, अच्छा नहीं तो गिर जाती है ना, इसमें अटैच कर दिया है नट, ये सब बनवाया नट ऐसा है भाई, इसमें जो ये वार्सल है वार्सल नट के साथ है, जैसे जो है अपनी टीवीएस की आती है उसी हिसाब से जो है ये वार्सल एलईडी लाइटें जो है दे रखी हैं और मशीन में भी एलईडी लाइटें दे रखी हैं। और क्या खास आपकी मशीन में? डीजल टैंक की बात करें औरों के मुकाबले में डीजल टैंक आप देखो, आपको देखने में खुद ही पता चलेगा डीजल टैंक का स्टाइल कैसा है जी, 350 लीटर इसका कैपेसिटी है डीजल टैंक का, 350 लीटर में ये कितने दिन चलेगी जी, कितने दिन चलेगी कितने घंटे चलेगी मशीन 350 लीटर में? 350 लीटर में ऐसा होता है एक घंटे में डीजल खाती है जी 8 से 9 8 लीटर जी एक घंटे में, अगर जैसे खेत में काटती है तो
तो वो फसल के हिसाब से होता होगा ना, जैसा लोड हम इसके ऊपर डालेंगे उसी हिसाब से जो है ये जी जी। साथ में एक स्टेपनी दे रखी है भाई, ये भी जो है MRF कंपनी टायर जो है किसान अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप BKT गुडी और MRF दोनों तीनों चलते हैं, मतलब कोई भी जो ऑन डिमांड है, ऑन डिमांड है। और ये जो एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर ये भी स्टेनलेस स्टील के दे रखे हैं, घिसने वाला कोई भी हिस्सा है, और इसका नीचे वाला पार्ट है वो भी स्टील का, जो पीछे के कवर है ये भी स्टेनलेस स्टील के आ गए आपको। अच्छा, और भाई इसके अंदर जो है ये बात करें हम एयर की, जो बात कर रहे थे आप कि जो साथ में जो ये लॉक दे रखे हैं यहाँ पे, कोई भी जो है पकड़ने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल एयर टंकी आ गई अपना, ये टंकी भाई एयर की है, साथ में जो है इधर भी जो है ये क्या लगा रखा है जी, जिस इंजन का पार्ट है सारा, सारा इंजन का पार्ट है, और इधर जो है ये सारा इंजन जो है ऊपर, फिर आपका इंजन स्टार्ट हो गया। अब जो है इसके अंदर जो पंखा है, पंखे की में भी जो है एक तरीके से पांच जो ब्लेड इसके अंदर लगा रखे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ध्यान से, तो इसके अंदर जो है ये भी हाई कार्बन स्टील के जो ब्लेड इसके अंदर जो है इन्होंने यूज कर रखे हैं, और जो जापान के जो बैरिंग आप देख रहे थे वो जापान के बैरिंग इन्होंने लगा रखे हैं, और साथ में ये गेयर बॉक्स जो इनका अपना गेयर बॉक्स जो ये बनाते हैं इसके अंदर, इसमें कोई भी आपने काम करना है तो ऊपर से प्लेट खोल के जो आसानी से काम कर सकते हैं, और ये वाली जो है इनकी डिस्क ब्रेक है जिसको ड्राई सूखी जो है डिस्क ब्रेक इन्होंने बना रखी है, इसमें जो है तेल वगैरह कोई मैटर नहीं है। और क्या खास है जी आपकी मशीन में बाकी भैया? देखो अगर अदर कंपनियों के अकॉर्डिंग हम पेंट की बात करें, अपना पेंट सारा आपको पीजू पेंट मिलेगा, पीजू पेंट हाँ। तो उसकी लाइफ क्या होगी? लाइफ बहुत अच्छी है इसकी, कम से कम 10 साल कहीं नहीं पेंट को कुछ नहीं होता। गाड़ी देखो ये होता है पेंट का, अपने हाथ में भी कुछ होता है, किसान के हाथ में भी कुछ होता है, गाड़ी की देख रेख कैसे कर रहा है अपनी तरह से। जैसे पहले हम इसको शॉर्ट ब्लास्ट करते हैं, शॉर्ट ब्लास्ट करने के बाद आफ्टर इनको प्राइमर होता है, प्राइमर होने के बाद पेंट होता है, पेंट होने के बाद खाली बॉडी फिर भरवाई होती है इसकी। ऐसा नहीं कि गाड़ी पहले बन जाएगी उसके बाद पेंट लगेगा, आफ्टर पेंट फिटिंग मिलेगी आपको इस तरीके से। जो है भाई जब आप इसको राइट साइड से देखेंगे तो इस तरीके से जो आपको ये दिखाई देगी डीलक्स 9300, और ये साथ में जो है ये पंखा भी दे रखा है, इसमें पंखे की डस्ट फैन है, जो डस्ट है डस्ट में जाए उसके लिए पंखा दे रखा है, उसके लिए पंखा दे रखा है, और हाई कार्बन स्टील में जो है इन्होंने सारा जो है ये यूज कर रखी है। और ये जो पत्ती आप बता रहे थे इधर, ये सर स्पोर्ट है जो हिस्से में फ्रंट एक्सल में जो स्पोर्ट आती है ना, आपको मोस्टली कंपनी में ज्यादातर आपको पाइप लगा मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, ये अपना हमने खुद प्लेट सिस्टम का कर रखा है, प्लेट का बना हुआ, इससे क्या है मजबूती, इससे की मजबूती है, इससे की मजबूती जो इसमें हो जाती है। सामने फ्रंट लाइट भाई इसके अंदर जो है एलोजन जो है लाइट है इसके अंदर आपको देखने मिलेंगी, बाकी जो ऊपर टोपी पे भी, और जो है यहाँ तीन लाइट है, एडजस्टेबल स्टेयरिंग है ऊपर चढ़ के जो आपको दिखाते हैं। एक और खास बात भाई इसमें देखने में मिलेगी, यहाँ जो है कैंपर रख देते हैं, कैंपर की जो ठूठी यहाँ लगा देते हैं, जिससे इस तरफ जब उसका मुंह करेंगे तो मशीन के ऊपर जो पानी नहीं पड़ेगा, बाकी जो है सारा नीचे जाएगा, जिससे जो है ये फरस वगैरह की जो है इसके अंदर गलावट आपको जो है देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर क्या खास है ऐसा? ऊपर भैया बात करें हम स्टेयरिंग की जी, ये आपको एडजस्टेबल मिल जाता है ड्राइवर के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसको ऊपर नीचे जो है अपने हिसाब से ड्राइवर कर सकता है भाई, ये थोड़ा सा नया है पार्ट है इस वजह से जो है, और साथ में जो है ये यहाँ पे भी जो है टूल बॉक्स दे रखे। अच्छा, ये इस तरीके से किसान आपको मान लो ड्राइवर इसको एडजस्टेबल करना, अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर सकता है। जी जी जी, ठीक है। और ये इधर जो है ये लीवर वगैरह है, लीवर बिल्कुल ड्राइवर के हाथ में, आपको हेल्पर रखने की जरूरत नहीं साथ में ड्राइवर को ना, जैसे कंपनी हम देखते हैं लीवर इस साइड होते हैं जी, ये हमने यहाँ पे ड्राइवर के बिल्कुल हाथ में दे रखे हैं। अच्छा, आग बुझाने का सिलेंडर साथ में दे, साथ में जो है फायर सेफ्टी के लिए जो यहाँ दे रखे हैं, और टैंक हमारा कितना भर गया उसके लिए भी जो है यहाँ, और ये जो बत्ती है ये टैंक के लिए लगा रखी है वैसे लगा रखी, हाइट के लिए, हाइट के लिए, और म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम भी आप साथ में लगा के देते हैं, ये साथ में म्यूजिक सिस्टम भाई कंफर्टेबल जो है एक तरीके से, इलेक्ट्रिक की सीट लग गई साथ में जी। और ये बात करें हम डैशबोर्ड की जी, तो इसमें जो है क्या क्या जो है काम जो है जी, ये इलेक्ट्रॉनिक सारा काम है इस मीटर के, सारा कंप्यूटर सिस्टम मान लो इसको, इलेक्ट्रॉनिक्स मान लो, इस बॉक्स से सारा काम चलने का माइंड। अच्छा, जो भी मॉनिटरिंग होनी है यहीं से होनी है, यहीं से जो मॉनिटरिंग होगी। और जो एक आप कह रहे थे एक्सीलेटर यहीं से सेट होगा, आपने कितने चक्कर पे गाड़ी चलानी है, खेत में आपने कितने चक्कर पे गाड़ी चलानी है, वो सारा इसी से, इसी में आपको, इसमें डीजल कितना बचा है, यूरिया कितना बचा है, वो भी इसी में आपको सारा इसी के अंदर जो है भाई दिखाई देगा। और जो बैठ के दिखा दें आपने, एक तरीके से बहुत ही कंफर्टेबल जो है हमारे को ये महसूस हो रही है, और साथ में जो है ये एक्सेलेटर दे रखे है यहाँ, तो ये कह रहे हैं कि इस पे जो है पैर रखना पड़ेगा क्योंकि BS6 इंजन है,
तो वो सारा इलेक्ट्रॉनिक जो है इस साइज के अंदर जो है एक तरीके से काम करता है। ये क्या बना दिया जी? यहाँ ये पानी का बोतल रखने के लिए, कुछ भी रखने के लिए, ड्राइवर की सुविधा के लिए, ड्राइवर की सुविधा के लिए। और ये लाइटें वगैरह? ये क्रिस्टल लाइटें हैं, रात में अंधेरे के लिए एलईडी लाइटें। अच्छा, एलईडी लाइटें जो है इसमें इन्होंने। टैंक की बात करें तो कितने कैपेसिटी की बात करें हम, गेहूं के लिए तो है अपना 19 क्विंटल का जी, पर धान पैड़ी, धान की बात करेंगे उसके लिए 13 क्विंटल आएगा। 13 क्विंटल जी। ये है भाई इसका, लीलैंड का एच सीरीज का जो है, इसमें जो है सीआरडी इंजन, जो कि इसकी जो मशीन है आप देख रहे हैं उसके अंदर 133 एचपी का इंजन इसके साथ आपको देखने में लगा। साथ में जो यूरिया टैंक और जो है डीजल टैंक जो है इसका 300 प्लस जो है आपको जो है देखने को मिला। और इस तरीके से जो है ऊपर से आपको साइलेंसर जो है स्टील के साथ जो है दे दिया, और पुलियाँ जो है अंदर जो है वो आपको दे दी। और बात करें इसके ग्रेन टैंक की, ग्रेन टैंक में अंदर भी जो है स्टेनलेस स्टील का जो है बहुत ज़्यादा काम जो है इन्होंने कर रखा है इसके अंदर। और गियर बक्सा बहुत ही हैवी गियर बक्सा, और छत जो देखेंगे आप इसकी, छत भी बहुत ही शानदार। और ये बहुत सारी गाड़ियां जो है अभी जाने के लिए तैयार हैं, आज के इसके प्लांट पे आने का जो विजिट जो है हम कर रहे हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट पे जो है इन्होंने हमारे को बुलाया था। ये देखो, और ये यहाँ पे आप देखेंगे इसको, ये इसका डीजल टैंक, डीजल टैंक के साथ भी जो इसकी जो कैप है इतनी शानदार जो कैप इन्होंने यहाँ बना रखी। और साथ में इंजन के रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए जो है ये इधर जो है ये सिस्टम जो इन्होंने लगा रखा है, साथ में वहाँ से भी कूल होगा रेडिएटर, और यहाँ से भी जो है ये जाली रेडिएटर जो है कूल होगा। और ये देखो इंजन बिल्कुल पेटी पैक और बिल्कुल नया इंजन, कोई जो पुराना वगैरह नहीं है, नया इंजन जो है इसमें आपको देखने को ये मिलेगा। और ये सारा जो है ये BS6 जो गाड़ियाँ हैं वो सिस्टम जो है यहाँ लगा रखा है, जिससे जो है पोल्यूशन वगैरह जो है नहीं होगा। और ये जो है इसका एयर क्लीनर, साथ में जो है 3 स्टेज का जो है ये एयर क्लीनर इसके अंदर दे रखा है ड्राई टाइप। ये देखो वो एक आसानी से जो है गेट लगा रखा है, गेट के अंदर जो है आसानी से किसान जाकर और अपनी जो है इनको सिपों को साफ कर सके। आपको वह 4x4 हिस्सा जो है लेना है मशीन का, क्योंकि जो है धान वगैरह में जब मशीन चलती है तो उसमें 4x4 जो हिस्सा बहुत काम आता है। ये 4x4 हिस्सा जो है जी किस लिए? ये 4x4 हिस्सा इसलिए कि गिल्ले के लिए ज़्यादा, जैसे धान की फसल है, धान के अंदर छोटे टायर होते हैं, इसमें ये 4x4 है, जैसे ट्रैक्टर 4x4 आते हैं इसमें ज़्यादा पावर और ज़्यादा दम लगता है, उसकी हाइट भी ऊँची होती है टायरों की, इनका साइज भी बड़ा होता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये होता है 4x4। ये देखो बहुत ही हैवी जो है हिस्सा एक तरीके से जो आपको देखने को मिलेगा, और इसके अंदर कोई भी पानी वगैरह जो है अंदर घुसने का तो मतलब ही नहीं है। और साथ में जो है ये देखो कितनी हैवी जो हिस्सा रोड वगैरह, और ये जो है इसका एक्सल पीछे वाला जो है, साथ में जो है वो भाई जो वीडियो में बात कर रहे थे कि जो टेपर वाला जो है बैरिंग इसके अंदर जो है, जिससे जो है थोड़ा हिस्से में प्ले हो जाए तो दो चूड़ी चढ़ा के जो हम अपने हिस्से की प्ले को ख़त्म कर सकें, वो जो चीज़ आप इसके अंदर देख रहे हैं। ये वे केस की जो है 9300 आपने देखी, कैसी लगी जो वीडियो को लाइक करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने ये मशीन को ख़रीदना है तो कहाँ से ख़रीद सकते हैं वो भी हम आपको जो है बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसानों के हमारे पास कमेंट और फ़ोन आते हैं कि मशीन कहाँ से लें, उनको मशीन ही नहीं मिलती। नमस्कार जी। नमस्कार। ये मशीन अगर केस की जो कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर है अलग अलग मॉडल के अंदर, तो वो मशीन कहाँ मिलेगी? आप मशीन लेने के लिए मेरे पास संपर्क करते हैं, मेरा जिला झज्जर, नाम नवीन है मेरा, जिला झज्जर से मैं केस का डीलर हूँ जिला झज्जर का। अच्छा, आपके पास से इस मशीन को ले सकता है किसान? मेरे पास से किसान इस मशीन को अपनी बुक करवा के अपना लोन, हमारे पास लोन सुविधा भी है, क्योंकि स्टेट बैंक, HDFC बैंक, सभी लगभग सभी बैंकों से हमारे पास लोन की सुविधा है। कितने परसेंट लोन हो जाता है? स्टेट बैंक इस पे 90% तक लोन कर देता है। 90% तक लोन इसके ऊपर हो जाता है। प्राइवेट बैंक है वो 70-80% तक लोन सुविधा है, बाकी किसान के सिबिल के ऊपर भी होता है कि उनका सिबिल कितना बढ़िया है। गारंटी वारंटी की बात करें तो क्या मिलेगी? गारंटी वारंटी की बात है, आप जैसे कि इसका इंजन लगा पेटी बंद इंजन, अशोक लीलैंड का इंजन आता है, CRDA इंजन, नया इंजन, उसकी 2 सीजन की कंपनी वारंटी देती है, और इन होम उसकी सर्विस का प्रावधान है,
अशोका लेलैंड वाले ही खुद आ गए, आपकी आप सर्विस के लिए बोलोगे तो खुद ही आपके पास आएंगे और वहीं पर आपकी सर्विस करके देंगे, वहीं पे सर्विस होगी। और जैसे मान लो मशीन की गारंटी वारंटी की बात करें, अगर भाई मशीन जो है कितने घंटे की गारंटी है, किस किस चीज़ की गारंटी, इस सीजन के हिसाब से होती है इसकी गारंटी वारंटी। अच्छा, आप जैसे आपने मशीन आज लिया, आज फरवरी का फरवरी चल रहा है, तो पहले आप मशीन चलेगी एमपी के अंदर, पूरा एमपी के सीजन की वारंटी रहेगी मशीन की, उसके बाद आप चला चला उसको हरियाणा में, हरियाणा की सीजन की वारंटी रहेगी। इसके अंदर कोई भी कुछ भी दिक्कत आती है तो हमारी कंपनी के फोरमैन सभी जगह अवेलेबल होते हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, राजस्थान, आंध्र, कर्नाटका, बंगाल के अंदर आप कहीं भी मशीन ले जाकर अपनी मशीन चला सकते हैं और आपको सर्विस की फुल सुविधा रहेगी, फुल सुविधा जो है रहेगी। आप अपना नंबर और बता दो जी। मेरा नाम नवीन है, मेरा नंबर है 9911-822-821। एक बार नंबर दोबारा बता दो जी आराम से। मेरा नंबर है 9911-822-821 हरियाणा। इस नंबर पर कॉल करके भाई आप जो है केस की मशीन है, रिपर है, कोई भी चीज़ है केस की, तो वो आप इस पर खरीद सकते हैं। मोटा मोटा के सामान जो है केस बना हुआ जी, केस कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, केस कंपनी से अपनी ट्रैक्टर वाली हार्वेस्टर, बड़ी हार्वेस्टर, उसके पास रिपर, सुपर सीडर, लेजर लेवलर, रोटावेटर, ये सारे इम्प्लीमेंट भाई आप खरीद सकें इनसे जो है कॉन्टैक्ट करने के बाद। वीडियो जैसी भी लगी हो भाई कॉन्टैक्ट भी करना डीलर साहब से, और जो है हमारे को लाइक करना वीडियो को और कमेंट करके जो है बताना, कोई चीज़ पूछनी है तो वो भी आप कमेंट करके जो है हमारे से पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जो है देंगे। धन्यवाद।